हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, आरोही क्रम यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के विभिन्न मान सारणियों के अनुसार पढ़े थे। आज के सवाल हम लोग देखेंगे। टेन साठ इंटू कॉस 30। देखिए, टेन साठ का वैल्यू होता है √3 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या होगा? 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1/2। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल देखिएगा। टेन तीस, तो टेन तीस का वैल्यू आपको मिलेगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 इंटू सेक 45 है तो ये होता है √2। ठीक है, और टेन साठ ये क्या मिलेंगे? √3 और इंटू क्या है? सेक 30। तो सेक 30 यानी कि कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। देन √2/√3, तो इसको पूरा लिख सकते हैं हम लोग 2/3 यानी कि 2/3 लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ ये √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2। ठीक है, अब ये जो 2 बचा है इसमें हम लोग 3 से अगर मल्टीपल कर दे और यहाँ भी 3 से मल्टीपल कर दे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा, 3 3 फिर कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ होगा, मगर हम लोग यहाँ पर कैंसिल करेंगे नहीं। तो √2 × 3 तो 6, यानी कि ऊपर में 6 का वर्गमूल रह जाएगा, नहीं निकलेगा तो 6 √6, और 3 × 3 मिलके 1 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और +2। इस तरह से यह आपका एक फाइनल आंसर हुआ। अगला सवाल आपका है 4 × cosec 60। ये किसका उल्टा होता है? अपोजिट होता है साइन का। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हम लोग लगाएंगे, प्लस 3 × ये क्या है? 3 × sec 60 यानी कि cos 60 का अपोजिट है, तो sec cos 60 का क्या होता है? 1/2, तो इसका होगा क्या? 2। सीधा क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर यानी यहाँ 4 × 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 3 × 2 × 4 = 12। ठीक है, इस प्रकार से 4 चौका क्या हो जाएगा? ये 16 बटे में 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 × 36 यानी कि 16 + 36/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 36 क्या हो जाएगा? 52। ये 16 है और ये 36 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 52/3, और 3 से अब डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, रेस्ट कितना बचेगा? 1/3। तो 17.1/3 आंसर आएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल जो है वो देखिए, 19 का 4 है। 2 sin²30 − 3 cos²45 + 10 45। ठीक है, अब 2 × sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार 3 × cos 45 1/√3 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस 10 45 कितना होता है? 1 है। 10 45 कितना होता है? 1 होता है। 2 से 8 = 4, 2 मतलब 2 टाइम्स कटेगा यानी कि 1/2 − 3/2 हो जाएगा गुना करके, +1, तो क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2। एलसीएम क्या आएगा? 2, 1 − 3
प्लस टू, तो टू वन प्लस वन क्या आ जाएगा, वन प्लस वन थ्री, वन प्लस टू थ्री, माइनस थ्री तो जीरो, और जीरो बटा एनी थिंग इजकल टू क्या आएगा जीरो, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा जीरो। नेक्स्ट आपका सवाल है 19 का 11वां सवाल है, फोर अपॉन टेन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट तीन, तो रूट तीन का स्क्वायर कितना होगा तीन, प्लस यहाँ पर वन अपॉन कॉस 30 का वैल्यू, यानी कि कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा वन बाई रूट थ्री बाई टू, क्या आता है रूट थ्री बाई टू, फिर इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 45, वन का स्क्वायर वन और रूट दो का स्क्वायर कितना आएगा दो आ जाएगा। इसी प्रकार से जब इसका हम लोग अपॉन कर ले जाएंगे ऊपर तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस, और ये हर परिमेयीकरण होगा तो रूट तीन का स्क्वायर तीन और दो का स्क्वायर कितना आएगा चार, तो 4/3 माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 6, अब ये होगा 4 × 8, 3 से भाग देंगे 6 में दो मरतबे कटेगा, फिर वही होगा 4 × 8 और 2 से भाग देंगे 3 मरतबे कटेगा और 3 से गुना होगा 1 में तो 3 होगा। अब इसका सबस्ट्रैक्ट अर्थ 8 × 8 = 16 में से 3 गया तो 13/6, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × 6 × 12 2 × 1/6, इसका आंसर ये आ गया। अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, कॉस जीरो साइन जीरो जीरो होता है मगर कॉस जीरो एक होता है, एक का स्क्वायर कितना होगा एक ही होगा, ठीक है। अब यह टेन क्यू पाई बाई फोर, तो देखिए पाई इक्वल टू क्या होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, और ये है पाई बाई फोर, मतलब पाई में चार से भाग देंगे तो क्या होगा 180 में चार से भाग देंगे कितना आएगा 45 डिग्री, और ये है फिर पाई बाई फोर, तो जहाँ पाई बाई फोर है उसके स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे 45 पुट करेंगे, तो टेन 45 का वैल्यू क्या होगा वन, टेन 45 का वैल्यू कितना होगा वन, और इसका क्यू है तो क्यू लगाएंगे प्लस साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो इस पर पावर कितना है 4 है, देखिए 1/√4 1/√2 पर पावर कितना है 4, तो इसको दो बार लिखेंगे चार बार लिखेंगे, देखिए 1/√2 का स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 1/2, इसका क्या होगा 1/2, यानी कि फाइनली 1/ कितना आएगा 4 आएगा, तो 1/√2 के पावर कितना 4, तो यह होगा 1+1 प्लस 1/4 क्या आएगा 1/4, तो 1 1 + 2 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/2 2 × 1/4 2 × 1/4, देखिए 2 × 1/4 एलसीएम लेंगे तो फिर कितना आएगा 4 × 8 = 9/4 4 × 8 = 1 रेस्ट बच गया 1/4 आ गया। अगला सवाल आपका देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, कॉट 30 टेन 30 होता है 1/√3, यहाँ कॉट 30 है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 1/ होगा √3, ठीक है, और ये साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2, तो ये आपका रहेगा √3 और ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 और ये होगा √3+1, ठीक है, यानी रूट तो ऊपर में हमारा क्या बचेगा √3 और मेन बट्टा हमारा कौन है ये, इसके बट्टे में दो टर्म है अंश और हर, तो इसको हम लोग प्लट देंगे अंश का हर हर का अंश, तो यह जाएगा √3+1, ठीक है। इस तरह से ये आपका आ जाएगा 2√3 अब बट्टा में √3+1, देखिए बट्टा में क्या आ गया √3+1 अपरिमेय संख्या, जब बट्टा में आता अपरिमेय संख्या तो हम लोग
हर परिमेयीकरण करते हैं, और हर परिमेयीकरण करने के लिए प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस से भाग देंगे। अगर माइनस होता तो माइनस प्लस से गुना करते, प्लस से भाग देते, ठीक है। बस केवल चिन्ह बदल देंगे हम लोग, क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे। ये आ गया। अब देखिए ये क्या होगा, टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन ये रूट तीन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कहते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और माइनस वन, यानी क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन क्या जाएगा, टू। तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन ये आपका आ गया। अब रूट थ्री इसमें गुना होगा तो क्या होगा, ये थ्री आ जाएगा और माइनस रूट थ्री, ये फाइनल आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से एक और सवाल दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए बराबर बी बराबर सात, यानी कि ए का वैल्यू भी 60 डिग्री होगा और बी का भी वैल्यू कितना रखना है, 60 डिग्री। प्रूफ करना है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा वह कॉस ए माइनस कॉस बी का वैल्यू नहीं होगा। तो देखिए एल एच एस और ये आर एच एस, तो हम लोग चलते हैं हल की तरफ, सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन। तो एल एच एस ये वाला पार्ट्स क्या होगा, एल एच एस कॉस ए माइनस बी, तो देखिए कॉस ए 60, बी कितना है 60, यानी कि ये आ गया आपका कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन। कॉस जीरो वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू वन होगा, ठीक है, कॉस जीरो का वैल्यू वन होगा। अब आर एच एस में आइए, क्या है कॉस ए और ए बराबर कितना है 60 डिग्री, माइनस कॉस बी यह भी कितना है 60 डिग्री, तो ये सेम वैल्यू हो गया, कॉस 60, कॉस 60 कितना होगा 1/2 और यह भी होगा 1/2, तो 1/2 क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, देख रहे हैं चूँकि एल एच एस इक्वल टू नहीं है आर एच एस, क्यों, क्योंकि एल एच एस का वैल्यू हमें कितना मिला है 1 और आर एच एस का वैल्यू कितना मिला है 0, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा वह इक्वल नहीं होगा कॉस ए माइनस कॉस बी के, इस तरह से ये बात हम लोग ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज टू सॉरी 1B के जो सवाल होंगे उसे आप आसानी से बना सकेंगे, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर निश्चित रूप से कर दीजिएगा, ठीक है।